दोस्तों आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ राइस बैग का 3 सबसे बेस्ट आइडिया। तो चलो टाइम पास ना करते हुए देखते हैं क्या क्या है वो 3 आइडिया। तो देखो मैंने यहाँ पर ले ली है राइस बैग, जिसको मैंने तीनों साइड से कटिंग करके ओपन कर ली है। तो देखो ओपन हो गया है, इसको हम रखते हैं साइड पे। अब हमने ले लिया है एक बेडशीट, ओल्ड बेडशीट है ये, और उसके ऊपर मैंने ले लिया है सोफ़ा कवर। तो सोफ़ा कवर को ऐसे मैंने जॉइंट कर ली है पहले सिल के, उसके बाद मैं इसके ऊपर रखा। इसको भी हमको अटैच करना है, पहले इसको अटैच कर लेंगे। और अटैच करने से पहले हमको पर्ल पिन लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल जगह पर रहे, ना हिले। तो देखो मैंने यहाँ पर चारों तरफ से पर्ल पिन लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसको मैंने कटिंग कर ली है। अब पर्ल पिन को धीरे धीरे करके हटाते हुए हमको लगानी है स्टिच। आपके पास अगर सोफे का कवर ना हो तो आप कोई भी बेडशीट, पुरानी बेडशीट को ही सिंगल सिंगल ऊपर नीचे ऐसे डाल सकते हो। तो देखो बेडशीट सिर्फ एक बेडशीट से भी कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर ओल्ड सोफ़ा इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा सा मोटा दिखे, है ना, थोड़ा सा गद्दी टाइप होगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये डाला है। तो देखो मैंने इसे चारों साइड से ऐसे करके बिल्कुल बराबर से मैंने सिल दिए ताकि दिखने में भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रहे। तो देखो पर्ल पिन को एक एक करके हटाते हुए मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ डालते हुए मैंने पूरा सिल लिया है, और ये हमारा सिल गया है। अब हम इसके साथ अटैच करेंगे राइस के बैग को, जो मैंने पहले ही खोल के रखा था। तो बेडशीट और सोफे के कवर को हमने पहले ही अटैच करके रखा था, अब इसके साथ हम राइस के बैग को भी अटैच कर रहे हैं। अटैच करने से पहले हमको पर्ल पिन लगा के इसको सेट कर लेना है ताकि ये बिल्कुल जगह पे रहे, सिलते वक्त ना हिले। तो जो भी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है साइड में, वो आप चाहो तो काट के निकाल सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। मेरे जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, मैं इसको नहीं काटूंगी क्योंकि ऐसे भी अच्छा दिख रहा है। तो चारों तरफ से मैं ऐसे करके पिन लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी वैसे ही पहले जैसे मैंने सिला था पिन को हटाते हुए, और उसके बाद बीच से भी मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि ये बिल्कुल जगह पे रहे, ना खिसके। तो देखो मैंने चारों तरफ से ऐसे करके सिलाई लगा लेना है, पिन को उसके बाद में हटा देना है, और ये देखो ये हमारा सिल गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बनाया है। ये मैंने बनाया है छोटे छोटे बच्चों के लिए मैट। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है बच्चे जो होते हैं बेड के ऊपर बैठ कर ही नाश्ता करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो नाश्ता पढ़ाई करते वक्त जो भी आपका बेड जो है गंदी हो जाती है, तो ये बिल्कुल गंदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी नाश्ता करते हैं ना तो उसमें लिक्विड होती है, दूध जूस या फिर पानी गिरा देते हैं कभी कभी ना, तो ये जो हमने राइस का बैग जो लगाया है इसकी वजह से ये नीचे तक नहीं पहुँचेगा, आपका बेड बिल्कुल सेफ रहेगा, और पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो है पिकनिक भी आप जब भी जाओ तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो चलो अब आ जाते हैं हम नंबर 2 आइडिया पर। तो मैंने यहाँ पर ली है 2 पीसेस, और ये जो पीसेस है मैंने नीचे लाइनिंग लगाया है, बीच में राइस बैग और ऊपर से फैब्रिक जो भी आपके पसंद का हो। तो मेरे पास ऐसे ही वेस्ट फैब्रिक बहुत सारे वैसे ही पड़े होते हैं, वो मैंने ले ली है। इस पीसेस की लेंथ हमने ली है 21 इंच, और विड्थ हमने ली है 15 इंच। तो अभी हम यहाँ से एक पीस हटा देंगे और दूसरे पीस को ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे, ओपन वाला साइड अपने पास रखेंगे और नीचे से लगा देंगे 4x4 पर मार्क। तो देखो 4x4 पे हमने मार्क लगा दी है, एक स्क्वायर हमने बनाया है, अब उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखो एक पीस हमारी कटिंग हो गई है, अब हम दूसरा वाला पीस भी कटिंग कर लेंगे। तो उसी तरह से हम इसे भी फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में जो हमारा पीस कटा हुआ है ना इस पर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो देखो ये भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इन दोनों पीसेस पर लगाएंगे स्ट्रिप्स, जो ऊपर वाला भाग है ना उसी पर हम लगाएंगे स्ट्रिप्स। तो देखो ऐसे करके हमको लगाना है स्ट्रिप्स, मैंने पहले भी दिखाए हैं सारी वीडियो में, तो इसमें और डिटेल्स में नहीं दिखा रही हूँ। और ये देखो मैंने स्ट्रिप्स लगा दी है, पहले एक फोल्ड करना है और उसके ऊपर और फोल्ड करना है और लगानी है सिलाई। तो ये वाला जो पॉलीथीन है प्लास्टिक है, ये जो है ना साड़ी के साथ आया है, मतलब इसके अंदर साड़ी आया था वही कवर मैंने रख लिया था। बहुत ही मजबूत होता है ये कवर, और वैसे आपके पास अगर ना हो ना, जो बच्चों के बुक्स वगैरह आप कवर करते हो उसको भी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले ली है ये साड़ी वाला कवर, इसको मैं कटिंग कर ले रही हूँ, एक पीस मैं इसका ले लूँगी।
तो इस प्लास्टिक कवर का लेंथ है 10 इंच और विड्थ है इसकी 8 इंच। देखो ऐसे करके मैंने ले ली है और इसको हम चारों तरफ से लगा देंगे स्ट्रिप। ये देखो कपड़े को फोल्ड करते हुए चारों तरफ से हम अच्छे से स्ट्रिप लगा देंगे। तो देखो स्ट्रिप हमने लगा दी है, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, ये वाला एक पीस हम ले लेंगे, उसका मिडिल पॉइंट पे हम करेंगे मार्क। अब हम वहीं से 2.5 इंच डाउन करेंगे, नीचे पर मार्क करेंगे। तो देखो और दोनों तरफ से हम 5-5 इंच पर मार्क कर लेंगे, जो हमने डाउन किए थे ना उसको मिडिल रखते हुए, इस तरफ 5 इंच और इस तरफ 5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब हम वहां से फिर 7 इंच नीचे डाउन करेंगे। तो ये देखो दोनों तरफ से हमने 7 इंच पर डाउन किया और ये हमने बना ली है एक रेक्टेंगल। तो देखो ऐसे करके मार्क कर लिए और जो हमने फ्रेम बनाया था प्लास्टिक कवर वाला उसके ऊपर हम ऐसे करके पिन कर देंगे और लगा देंगे इस पर सिलाई। तो देखो चारों तरफ हमने अच्छे से पिन अप कर दी है। अब हम इस पर लगा देंगे अच्छे से दोनों तरफ सिलाई। तो ये देखो मैंने सिल भी ली है दोनों तरफ, मतलब रेड वाला जो किनारा है ना दोनों तरफ हमने सिल ली है। अब पीछे के तरफ से हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर देंगे। आप चाहो पहले कटिंग करके भी आप सिल सकते हो और प्लास्टिक को और कपड़े को थोड़ा सा भाग करके ना उसके बीच में से हमको कटिंग लगानी है, बहुत ही ध्यान से प्लास्टिक ना कट जाए। तो देखो मैं ऐसे करके कटिंग कर रही हूँ बचाते हुए। ये देखो मैंने कटिंग भी कर ली है। हमने डबल सिलाई पहले से ही लगा दी है इसलिए अभी हमको और नहीं सिलना है। तो ये देखो हमारा सिल गया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला पीस भी लगा देंगे और ये तीनों साइड से हम इसको स्टिच लगा देंगे। तो ये देखो मैंने सिल कर लेकर आ गई हूँ और ये हमारी स्टिच हो गई है। अब जो ये वाला गैप है 4 इंच वाला उसको भी हम सिल लेंगे, दोनों साइड हम ऐसे सिल लेंगे। तो देखो ये रही। तो ये देखो मैंने सिल भी ली है, एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको आपको काट के निकालना है। और ये साइड वाला जो है पोर्शन ये आप ऐसे स्ट्रिप लगा सकते हो और भी सुंदर दिखेगा। तो ये देखो ये हमारा जो है सिल गया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। अब जो है ना इस को अच्छे से खड़ा होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक एक करके स्टिच लगा देंगे, ऐसे पकड़ेंगे और डाल देंगे एक एक सिलाई, है ना। तो और अच्छे से ये खड़ा होगा। तो ये देखो मैंने सिल भी ली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सिला है। और रेड के ऊपर नहीं सिलना है, बस येल्लो के ऊपर ही आपको सिलना है। तो ये देखो हमने सिल ली है। तो यहाँ पर हमने एक और पीसेस ले ली है और इसमें हमने राइस बैग और लाइनिंग और मेन फैब्रिक से हमने ज्वाइन कर ली है, बीच में हमने राइस बैग को रखा है। लेंथ है इसकी 13 इंच और विड्थ है इसकी 11 इंच और चारों तरफ हमने साइड में स्ट्रिप्स भी लगा दिए हैं। अब हम किनारे से 2-2 इंच की दूरी पे हम लगाएंगे एक पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे बेलगर। तो ये देखो तो हमने वेलगम को सिल भी ली है। अब जो है इसको सीधा करके इसके बैक साइड पे हम स्टिच कर देंगे। तो ये देखो हमने स्टिच भी कर दी है, रेड वाले पे रेड को रख कर हम उस पर ही सिल दिया है। और ये देखो इसका ढक्कन भी हो गया है तैयार, कितना सुंदर कितना बढ़िया। और वेलगर का दूसरा पार्ट भी हम लगा देंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखो कितने सारे कपड़े इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर। अब बाज़ार से ख़रीदोगे ना तो बहुत ही महंगा मिलने वाला है, ये घर पर बस बिल्कुल आसान तरीके से मैंने दिखा दिए हैं। आप ये जो है वेस्ट मटेरियल से आप बना सकते हो। अब हम आ गए हैं आइडिया नंबर 3 पर। यहाँ पर मैंने एक और राइस बैग ले ली है, राइस बैग का मुंह जो है एक साइड से ऑलरेडी खुला था, एक और साइड में मैंने धागे को निकाल के इसको ओपन कर ली हूँ। और उसके बाद मैं नीचे से 20 इंच लेंथ की मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। तो देखो 20 इंच की लेंथ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर एक निशान लंबी सी एक लाइन खींच लेंगे और उसके बाद हम इस पर ही लगाएंगे कटिंग।
तो ये देखो हमने कटिंग भी कर ली है। अब हम इसको एक साइड से और कटिंग करके इसको पूरा ओपन कर लेंगे। तो ये देखो पूरा ओपन हो गया है। अब इसके मेजरमेंट जो है लंबाई है इसकी 32 इंच की और विड्थ है इसकी 20 इंच की। इसको अभी हम रखते हैं साइड पे। हमने जो पहले काटा था ना उसी पीस को हमने वापस ले ली है। विड्थ इसकी 1 इंच और लेंथ इसकी 18 इंच पर हम इसको मार्किंग करके दो पीसेस इसी तरह का निकालेंगे। तो देखो मार्किंग मैंने कर ली थी, अब इसको मैं कटिंग भी कर रही हूँ और दो पीसेस मैंने इसके निकाल लिए हैं। अब हमने काटा है दो फैब्रिक, जो भी आपके पास पुराने फैब्रिक हो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर पुराना मेरे पास पड़ा था, मैंने ले ली है। इसको लेने के बाद में हमको पट्टी को, जो राइस बैग का जो पट्टी है उसको हमको बीच में लगा के दोनों साइड से घुमा के सिलना है। पहले भी मैंने काफ़ी बार दिखाया है इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में नहीं दिखाए हैं, तो आपको बेल्ट बना लेने हैं। अच्छा, किनारे किनारे से आपको 6-6 इंच की दूरी पे आपको लगानी है मार्किंग। तो दोनों साइड से आपको मार्किंग लगानी है और उसी के ऊपर आपको बेल्ट को इसी तरह से लगा के आपको लगाना है सिलाई। तो देखो मैंने जो सफ़ेद वाला साइड है उसी तरफ मैंने सिला है ऐसे करके अंदर की तरफ करके। अब हम इसके ऊपर से एक फैब्रिक और ले लिए हैं, ऊपर से हम ऐसे सिलेंगे। बेल्ट को हम अंदर की तरफ रखकर ऊपर से हम लगा देंगे सिलाई। दोनों साइड से ही सिलना है, चारों तरफ से नहीं सिलना है। तो देखो मैंने दोनों साइड से सिल लिए है और इसको अब हम पलटा देंगे, जो प्रिंट वाला पार्ट है वो अंदर चला जाएगा तो दिखने में अच्छा दिखेगा। तो ये देखो ये हमारा हमने पलटा दिया है, बिल्कुल इजी है, आसान है। अब हम इसको बराबर ऐसे रखकर ऊपर से लगाएंगे सिलाई। तो ये देखो हमने सिलाई लगा दी है, बेल्ट हमारा भी ये घट बन गया है, मतलब ऊपर से हमने डबल स्टिच डाल दी है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब हम दोनों साइड से सिल देंगे। तो ये देखो दोनों साइड से हमने सिल दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। अब हम नीचे से 3x3 इंच पर मार्किंग करके यहाँ से कटिंग लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमको करना है सेम उसी तरह का 3x3 पर हमको मार्किंग करना है। तो ये देखो दोनों हमने मार्किंग करके कटिंग भी कर लिए हैं। अब दो ऐसे टुकड़े ले लिए हैं कपड़े का, अब वहीं पर हमने साइड पे जो हमने सिला था उस पर हम लगाएंगे ऐसे करके स्ट्रिप, ताकि जो आपका फिनिशिंग हो बिल्कुल अच्छे से हो। अब हम जो ये कटिंग कर रहे थे 3x3 का, उसको भी हमको ऐसे सिल लेना है, ऐसे पकड़ कर अच्छे से पकड़ के हमको सिल लेना है। अंदर के फेब्रिक को भी अच्छे से पकड़ कर सिलना है। तो ये देखो सिल दिए हैं, अब इस पर भी हमको स्ट्रिप लगा लेना है। तो ये देखो दोनों साइड पे हमने स्ट्रिप लगा दिए हैं, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखो प्यारा सा बैग हमारा बनके हो गया है तैयार। आप चाहो तो चारों किनारे से ऐसे पकड़कर आप एक एक करके स्टिच भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर नहीं लगाए हैं। इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे साड़ीज हम रख सकते हैं, कहीं पर हम घूमने जाए तब भी आप इस बैग को हम कैरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल नो कॉस्ट आइडिया है। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताना, तीनों में कौन सी सबसे अच्छी आइडिया लगी वो बताना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचाएँ।